तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर मैंने ये साड़ी पहनी ली, हल्की सी साड़ी मेरे पास पहले की पड़ी थी, वैसे है तो ठंड बहुत, बट फिर भी मैं सामने से दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये देखो ये रही मेरी साड़ी, एकदम सामने से दिखा देती हूँ मैं। तो फिर मैंने ये पहनी ली, मैंने कहा चलो यार है ना करवा चौथ एक ही बार आता है साल में, उसमें भी क्या वो करना कंजूसी, सारे यूट्यूबर्स ऐसे सुंदर सुंदर बन के होंगे और मैं ही होंगी एक सूट पहन के। तो फिर मैंने ये साड़ी पहन ली, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ऐसे हैवी वाली साड़ी नहीं है, लाइट वेट सी है। बताना कैसी लग रही है, नज़दीक से दिखाती हूँ। ऐसे फ्लोरल प्रिंट में है, कभी मैंने लखनऊ में नहीं मतलब लखीमपुर हरदोई में वहाँ पे ख़रीदी थी। तो ये रही मेरी साड़ी, ये ब्लाउज़ भी इसी के साथ का, मैंने प्रेस वेस कुछ नहीं किया, जैसे था वैसे का वैसे ही पहन लिया। तो जी अभी शाम के बज गए हैं 9 और अभी तक भी चंदा मामा जी जो है वो नहीं आए हैं बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं कहीं पे पटाखे शुरू हो गए, लेकिन धर्मशाला थोड़ी सी हाइट पे है तो यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा लेट आता है, वैसे 8:45-9 बजे तक आ जाता है अक्सर, पर आज अभी तक नहीं आए। आदित जा रहा है बार बार भागता हुआ। ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप, फोटो खींच रहे हो? अच्छा अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं, वैसे वाले फोटो उससे जाने वाला। अच्छा तो बस ऐसे देखते हैं कितनी देर में आएगा चांद, क्योंकि खाना तो मैंने कब बना के रख दिया था 7:30-8 बजे, तब से लेके खाना बना ही हुआ है, बस जैसे ही चांद निकलेगा चांद को देख के फिर खाएंगे हम लोग खाना। उर्वी बेचारी मेरी सो गई है, नीरज सुबह के लिए सब्जी काट रहे हैं क्योंकि आज तो करवा चौथ है, कल तो खाना बनाना पड़ेगा है ना। आज भी बनाया वैसे तो खाना, ऐसा नहीं है कि आज नहीं बनाया, बट फिर हाँ सुबह के लिए भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो सब्जी काट रहे हैं बीन्स की, फ्रांस बीन। तो जी अभी 7:00 हो गए हैं, चांद निकल चुका है और चांद देख के हम लोग आ गए हैं और अब कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि साड़ी में तो खाना नहीं खाया जाएगा बैठ के, तो इसीलिए जो है चेंज कर लेते हैं और फिर आराम से बैठ के खाते हैं खाना है? और क्या, अब जब इतना टेस्टी खाना आपने बनाया है तो हमें खिला भी दो। पाउट कर रही तू चिंदी जैसी, आओ कर दो आओ कर दो, देख ड्रामा ड्रामा फूल है और तंग करना भी फूल है ना। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के जो है 8:45 हो गए, तो उर्वी को तो मैंने अभी नहलाने के लिए नहला दिया है, पर बाथरूम में रखी है थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में। और आज है फ्राइडे सुबह सुबह के, हाँ वही 8:45 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। तो अभी जो है मैं उसके कपड़े निकाल देती हूँ और आज ना मैंने ये विंडोज़ बंद कर दी अपनी, क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा आती है बाहर से, तो विंडोज़ बंद, कर्टन्स तो खैर चढ़े हुए हैं बट विंडोज़ भी मैंने बंद कर दिए। तो इसके कपड़े निकाल लेती हूँ मैं पहनने के लिए, फिर उसके बाद इसको रेडी कर दूँगी, फिर खुद रेडी हो जाऊँगी और बस, और करना ही क्या है ना, क्योंकि टिफ़िन वगैरह खाना वगैरह सब कुछ जो है मेरा हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ना कोई बर्तन है धोने के लिए, गंदे गंदे पंखे नज़र आ रहे होंगे खासकर ये जो क्रीम कलर का ये, बट अभी संडे को करेंगे हम दिवाली की सफाई, फिर उसमें ये पंखे भी साफ़ होंगे, बट इन पंखों को साफ़ करने का करें भी क्या, ये एक बार साफ़ करो उतने में दोबारा एक डेढ़ हफ्ते बाद दो हफ्ते के अंदर दोबारा ऐसे हो जाता है क्योंकि बहुत धूल आती है अंदर। तो उसी धूल और मिट्टी की वजह से मैंने नीचे ना वो नहीं बिछाया है वहाँ पे सोफे के पास जो कारपेट्स होती है, वो जो मैट आते हैं ना फ्लोर मैट, वो तक नहीं मैंने डाले क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि डस्ट इकट्ठी होती रहती है नीचे, चाहे रोज़ भी झाड़ू लगाओ रोज़ भी लगाओ तो भी उसमें डस्ट इकट्ठी होती है और फिर उससे हो जाती है एलर्जी। तो इसलिए फिर मेरे पास आपने देखा भी था कि पहले मैंने मैट मंगवाया था ऑनलाइन और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया था, ज़्यादा कॉस्टली भी था, आई थिंक 2000 के अराउंड था, लेकिन था हैवी, तो वो भी मैंने जो है फिर घर भेज दिया था, तो वो अभी ससुराल में रखा पड़ा है, वहाँ पे भी कोई यूज़ नहीं होता उसका, वहाँ पे भी फोल्ड होकर रखा हुआ है, बट चलो यहाँ से चला गया, अब कभी आगे कहीं और कुछ और घर होगा तो वहाँ पे उस हिसाब से ले लेंगे दोबारा है ना।
हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और नए व्लॉग में भी। तो अभी शाम के जो है हो गए हैं 6:30 और अभी हम जस्ट अभी पहुंचे हैं। मैं गई थी आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे आज हम गए थे उर्वी की वैक्सीनेशन के लिए। इसकी वैक्सीनेशन थी 18 मंथ्स वाली, जो इसकी पेंडिंग थी लास्ट मंथ की। सितंबर में इसको वैक्सीनेशन होनी थी, बट सितंबर में ना इसे इसको फीवर वगैरह जो है वो थे थोड़े थोड़े, तो फिर उस टाइम पे हमने सोचा कि अभी नहीं करवाते हैं, जब ये थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम करवाएंगे। तो बस अभी आज ऑफिस से भी मैं 3:15 या 3:20 के आसपास कुछ ऐसे निकल गई थी और उसके बाद हम चले गए थे सीधे उर्वी की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और बस अभी पहुँचे 6:30 बजे। कुछ थोड़ा सामान भी लाए क्योंकि कल है 15 अक्टूबर, कल है आदित का बर्थडे, तो वैसे बर्थडे तो हमें उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना है, बट हाँ बच्चे कुछ मन होता है जैसे कि क्लास में टॉफीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो सब कुछ लेके आए हम अभी। जाओ, वैसे नहीं पकड़ा जाता बिट्टू, बैग भारी होता है ना आपका, आगे होके बैठा करो, पर्स मेरा सीधा रखो, इसमें से पेन गिर जाएंगे। बैग आगे रख दो वैसे, इस पर लगा रखा है पीछे। लाओ दे दो मेरा पर्स, मेरे पास दे दो, आराम से आराम से। तो अभी ना ये लोग दूध लेने के लिए जा रहे हैं और नीरज फिर से ऑफिस के काम से निकल गए हैं। तो बस ऐसे ऐसे वो अपने ऑफिस के काम से निकल गए हैं अभी। और अभी बस मैं अभी बैग खोला, ये देखो बालों की हालत, स्कूटी पे हवा लग लग के ऐसा हो जाता है, आँखों में भी धूल ही धूल, क्योंकि रास्ते में ना बीच बीच में बहुत कंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ, एक्चुअली वो नालियाँ वगैरह बन रही है साइड में ना, उस वजह से जो पाइपें वाइपें बिछती रहती है कुछ, वो उस वजह से धूल ही धूल होती है, चेहरे पर भी ऐसा लगा सी धूल ही धूल है। तो चलिए उठती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करके लग जाते हैं खाना बनाने में, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो ये रहा और बेटू, ये पिंस मत गिराना यहाँ पे ना, मुंह में डालती है ये। तो ये हम उर्वी के लिए लेके आए हैं किचन। आप नहीं गए चाचू सा दूध लाने? अच्छा, ले रू पिज्जा खा ले, चाचू को दे दे, चाचू है पिज्जा लवर। अरु का किचन सेट टेम्पररी, दो इसकी गैस भी दो भाई, खींचना एक मिनट आ दो पैकेट लो। अरे गैस एक चूल्हे वाली है, ये क्या है इसको, चकला बेलना लटका हुआ है इसमें, चॉपिंग बोर्ड तो नहीं है कहीं? चॉपिंग बोर्ड यही होगा, चॉपिंग बोर्ड इस पे बनाओ, लो बनाओ खाना, यही होगा चॉपिंग बोर्ड शायद। रख दो नीचे, इसको खेलती रहेगी इसमें, चॉप तो। Happy birthday to you. मम्मी केक, केक शाम को आएगा, 4 घंटे बचे हैं शाम आने के लिए। अच्छा, कब तक आ जाएगा 4 घंटे में? तो यार आदू बहुत कुछ हो जाता है, 3 घंटे बस, 3 घंटे में भी बहुत कुछ हो जाता है। नहीं नहीं मम्मी, 2 ही घंटे बचे बस, जाओ चॉकलेट ले लो। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 4:30 हो गए आई थिंक। हाँ जी, थोड़ी चॉकलेट ठीक है। शाम के 4:30 हो गए हैं और बस जस्ट मैं ऑफिस से पहुंची हूँ, मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे भी पिंस लगा रखी है। तो बस अभी पहुंचे, आज आदित का बर्थडे है, पहले मैं करती हूँ घर की सफाई ढंग से, फिर तो उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान करना है क्या नहीं, क्योंकि वो सामने वाले बैठ गए, ये किसी का स्कूल बैग, मेरा पर्स, तनु का बैग, रजाई, बहुत कुछ पड़ा है, तो इसको समेट लेती हूँ मैं फिलहाल, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं आदित के बर्थडे पे। आदित बोल रहा है मुझे केक चाहिए, तो केक तो हम मनाएंगे, हाँ वैसे उसी हिसाब की सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, पर हाँ थोड़ा होता ही है बच्चे को, हाँ केक काटना है तो वो ले आएंगे, बाकी ऐसे किसी को इनवाइट वगैरह नहीं हम कर रहे हैं बिल्कुल। तनु आ जा, तो जिस शाम का टाइम हो गया है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं आदित के लिए कपड़े लेने के लिए, और
यही लाने की खारा भी बाहर ही खा लेते और ऊट भी मैंने रेडी किया है क्यूट क्यूट ये कौन है ये अच्छे सीधे सीधे आ तू तनु जल्दी कर लाइटें बंद कर और चल जल्दी अरुण यहाँ देखो अरुण यहाँ देखो ये लो हाय कर दो हाय हाय सो ये मेरी परी भी रेडी हो गई बस हमें निकल रहे हैं आदित के लिए कल इसको कपड़े नहीं ला पाए थे क्योंकि कल खरीदने नहीं थे आज हमने इसको कपड़े भी खरीदने हैं और फिर खाना भी बाहर ही खा के आएंगे क्योंकि इतना तो बनता है बर्थडे पे ना अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं बनती है इतना तो बनता है खाएंगे सुना तुमने इसने बोला खाएंगे 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 आम न्याम 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 उरी बोलो हैप्पी अरे बोलो हैप्पी हैप्पी बोलो हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी क्लैप भी कर दिया चलो अरे बाय बाय कर दो बाय बाय मैं तो चला बोलो गाड़ी हमने कब निकाली थी लास्ट सही बहुत दिनों बाद ही चली हाँ 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 यस 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 क्या है हाँ बड़ी बीच में है वो देखना रोड पे छोड़ दे आज नहीं भाई आज नहीं मानता भाई किसी की बात है ना आज तो बर्थडे है मेरे यार का बर्थडे होए बर्थडे बर्थडे तो हम यहाँ पे आए हैं अभी रिलायंस ट्रेंड्स है अच्छा आगे करनी होगी यहाँ रोड पे ही आ रही है देख चलो तो हमारे पदचिन्ह यहाँ रहेंगे हम चले जाएंगे लेकिन हमारे पैरों के आदित आदित आपको पता है ना गाड़ियाँ कितने उससे आती है नीचे से तेज तेज है ना चलो बर्थडे बॉय की एंट्री चलो 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 शरारत दिख रही है कहीं वो दिख रहा है तो पानी चलो चलो रुक जा एक मिनट आने दो सौ पंद्रह टॉप कर दो टॉप ये फोर इस बच्ची को बैठा यार वैसे ही बर्थडे मनाना है इधर ही बैठेगा चलो बैठ जा आप आ जाइए चलो लगाओ करो जलाओ तो मैंने तो सोचा था कि वॉइस जो है एज इट इज़ ही रहने दूंगी लेकिन वहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक इतना ज़्यादा चल रहा था कि मेरा जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया तो यहाँ पे जो है हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बैठ गए आदित की और ये छोटी सी बेटी थी यहाँ पे किसी और की ऐसे ही लंच ये सॉरी डिनर करने आए थे तो इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया आप उस तक ले
तो बस हमारी जो सेलिब्रेशन थी वो इस बार इतनी ही थी, क्योंकि वैसे हमने सोचा था कि आदित का बर्थडे थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली में थोड़ी मिसहैपनिंग हुई है हमारे, तो बस इतना ही हमने किया कि केक कट किया और बाहर खाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि ये भी बाहर खाने का जो प्रोग्राम है, प्लान है, ये ऑल ऑफ सडन जो है नीरज ने बनाया, बाकी ऐसा अपना हमारा कोई प्लान नहीं था। और यहाँ पे ना और भी लोग थे, मतलब जो डिनर के लिए आए थे, हमारे साथ नहीं थे, वो तो खड़े हो गए थे क्योंकि इनकी जो बच्ची है ना ये हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रही थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि छोटी सी बेटी उनके सामने जो खड़ी हुई है वो, तो आदित ने अपनी जो बर्थडे कैप है वो भी उसी को दे दी थी। और यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा था, मैंने बाद में नोटिस किया कि टीवी पे ना सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे, तो इसीलिए फिर बर्थडे वगैरह विश जो सॉन्ग हमने गाया वो आप लोगों को नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि हमारी आवाज़ कम और जो पीछे म्यूज़िक चला बैकग्राउंड में उसकी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट करके वॉइस ओवर देना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। तो आदित जो है वो हो चुका है 7 ईयर्स का, और ये जो बर्थडे है ना आदित का ये 15th of October को था। व्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं क्योंकि एडिटिंग वगैरह के लिए मुझे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, कभी तबीयत सही नहीं, कभी कुछ, तो बस वैसे ही हो रहा था। तो बस ऐसे ही है, भगवान करे ऐसे ही हम लोग आगे बहुत सारे बर्थडेज जो है मनाते रहें, बच्चों के, अपने, सभी के, बस सब ठीक रहने चाहिए। इसको प्लेट में दे देना यार, बस हो गया, इट्स ओके, इसको प्लेट में डाल के कट करके दे दो पीस। सारथी का रुको, हेलो, अच्छा क्या हुआ बेटा? खाना खा लिया आपने? खा लिया? रोटी बंद हो गया आपका? ये पोलो, डी पोलो, ये होटल है, ये वो है जो शीला चौक से रास्ता नहीं है आगे, वो है उधर। अच्छा अच्छा, शीला चौक वाला, ये वो मैकलो है उधर, कांगड़ा है वो, पूरी वो बड़ी सुंदर जगह है, दिन में आओ तो बड़ी खतरनाक है, डेट मारने वाली जगह है, डेट तो मारने वाली जगह है, उधर खेत ही खेत है, ये वो रोड है, को रोड मुझे जो दिख रहा है ना, बेबी बेबी, पानी कितना अच्छा, मुझे पानी बनाना है, ये जहाँ पर टायर वाली दुकान नहीं है वो है। चलो बेबी, चलो मुझे लेट हो रहा है, चलो बेबी बाय, बस बेटा बस, बेबी आ जाओ, बस बेटा ये नहीं दिखाएगा।